जय श्री कृष्णा दोस्तों, कांडली की कृपा के साथ एक बार फिर से आप सबका इस हमारे ग्रह शक्ति माँ वस्तु चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज जो है हम पिछली वीडियो को कंटिन्यू करते हुए अगली वीडियो के बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने जो है फाइव एलिमेंट्स में जो है जो हमारे जो है जल तत्व है वाटर एलिमेंट इसके बारे में डिस्कस किया था, और आज जो है हम आपसे एयर एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं जो कि हमारा वायु तत्व कहलाता है, वुड एलिमेंट भी कहते हैं इसे, ठीक है। तो इस चर्चा को हम आज आपसे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लेकिन इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको जो है ये बता दें कि हमारा जो है ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट है, जो भी इसको ज्वाइन करना चाहता है वो इसको ज्वाइन कर सकता है, जिसमें जो कुछ हम वीडियोस में समझाते हैं आपको उसको ब्रीफली तौर पर क्लासेस के तौर पर आपसे डिस्कस किया जाता है, ठीक है ना, समझाया जाता है। ऑनलाइन क्लासेस है, सर्टिफाइड कोर्स है, आप इसे आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है अगर कोई अपने घर का नक्शा बनवाना चाहता है तो वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकता है, और यदि कोई जो है हमारे अपने घर की रेमेडीज करवाना चाहता है तो वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकता है। मान लो किसी का घर बन चुका है, अब वो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, कभी किसी के जो है अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही है, किसी का कैश रुका पड़ा है, किसी का बिजनेस अच्छा खासा है लेकिन पैसा नहीं आ रहा है, किसी के रिलेशंस प्रॉब्लम है, कुछ भी एक्स वाई जेड है, बच्चे मन लगा के नहीं पड़े, कुछ भी एक्स वाई जेड प्रॉब्लम है, तो वो हमसे अपने घर का वास्तु सही करवा सकता है, ठीक है। तो ये तो बिजनेस रिलेटेड बातें होगी, वीडियो की बात करते हैं। तो इसमें आपको जो है हमने कहा था कि एयर एलिमेंट के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। एयर एलिमेंट हमारा वायु तत्व, हर चीज को ग्रो अप करना, जैसे वायु का काम क्या है, पेड़ पौधों का काम क्या है, वायु का काम क्या है, हर जगह अपनी महक देना, हर जगह अपनी एक घुटन जो होती है इसको खत्म करने का काम करता है वायु, है ना। मान लो कहीं जो है सफोकेशन एरिया होता है, वहां हवा नहीं होती तो कितना आदमी कितना हो जाता है, मतलब उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो जाती है। वही सेम चीज हमारी लाइफ में है कि अगर हमारी लाइफ में अगर एयर एलिमेंट नहीं है तो हम जो है घुटन महसूस करते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है ना। आदमी जी का जीने का मन नहीं करता, उसे ऐसा लगता है कि इससे तो मर जाए तो सही है, क्योंकि घुटन लगती है ना बहुत ज्यादा, सांस लेने में तकलीफ हुई, मतलब जीवन जीने में तकलीफ हुई, उसे इस तरीके से समझिए। और जैसे जैसे पेड़ बढ़ते हैं ऐसे ऐसे अगर हमारी लाइफ भी आगे बढ़ रही है, हमारी खुशियां बढ़ रही है, सब चीज बढ़ रही है, तो एयर एलिमेंट हमारा बैलेंस है, इस तरीके से इसको हम चेकअप करते हैं। तो एयर एलिमेंट हो गया इसका, ये इसका गुण हो गया मेन। अब इसमें तीन डायरेक्शंस आती हैं, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ईएसई, ईस्ट साउथ ईस्ट, ठीक है। सबसे पहले ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जो कि हमारी रिक्रिएशन ऑफ फन की डायरेक्शन है, ईएनए बोलते हैं इसे शॉर्ट में। लाइफ में जितना भी एंजॉयमेंट है वो यहीं से होता है। अगर यहाँ पे आपके कोई भी आपकी एंटी चीज है तो आप कोई भी अपने जीवन की खुशी को महसूस नहीं कर पाओगे, ठीक है। कोई भी एंटी शेप है यहाँ पे, कोई भी एंटी आपकी एक्टिविटी है यहाँ पे, कोई भी एंटी कलर है यहाँ पे, कोई भी किचन है, कोई भी आपकी जो है टॉयलेट है, तो आप क्या है कि आपकी खुशियों को आप महसूस नहीं कर पाओगे। खुशी होते हुए भी आप हर समय टेंशन में रहोगे, इस तरह का माहौल हो जाता है लाइफ का। तो ई एनी में मान लो आपके गैस है तो आप गैस की रेमेडीज करी जाती है कि उसको कैसे बैलेंस करें, ये सब क्लासेस में समझाया जाता है। टॉयलेट है तो उसकी रेमेडीज भी क्लासेस में समझाई जाती है। और यदि एंटी कलर है, एंटी कलर को आप रिमूव कर सकते हो, जो अभी मैं आपको बताऊंगी अभी एंटी कलर क्या होगा इसका, उसको आप रिमूव आउट करके और उसमें 100 में से 25% अपने लाइफ में आराम कर सकते हो। या यदि बच्चों की बुक्स हैं तो बच्चों की स्टडी टेबल है तो बच्चों का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगेगा, उसे भी रिमूव करिए। और इसके अलावा यहाँ पे जो है आप येलो कलर जो है इसका एंटी होगा, इसके अलावा आपका ग्रे कलर हो गया, व्हाइट कलर हो गया, ब्लैक कलर हो गया, वो एंटी कलर है, उन्हें यहाँ से रिमूव करिए, ठीक है। तो खास ध्यान रखिए ई एन ई में हमें येलो और ब्लैक, ग्रे, व्हाइट, सिल्वर इस तरह के कलर यूज नहीं करने हैं। ये इनके एंटी कलर है, सेल्फ कलर में इसके ग्रीन इसका सेल्फ कलर होता है, ठीक है। ये सब हालांकि क्लासेस में होते हैं, लेकिन लॉकडाउन के चक्कर में क्या है कि लोग बहुत परेशान हैं, ज्यादा परेशानी बढ़ चुकी है इस लॉकडाउन के चक्कर में है। अब लॉकडाउन खुल गया है लेकिन इसके बावजूद भी इंसान के क्या है कि इस पे इनकम पे इतना फर्क पड़ा है कि वो समझ नहीं पा रहा कि क्या करें। तो कम से कम इन चीजों को रिमूव करके तो काफी अपने घर के माहौल को वो सुधार सकते हैं। और इससे अगली डायरेक्शन आपकी है ईस्ट की, जो कि आपकी जो है सोशल एसोसिएशन की डायरेक्शन है। सोशल यानी कि लाइफ में जो भी कुछ सामाजिकता है आपकी, आपके सामाजिकता में क्या आता है, आपके रिश्तेदार भी आ जाते हैं सामाजिकता में, आपके कह सकते हैं कि आपके जो है पड़ोसी भी आ सकते हैं सामाजिकता में, आपके दोस्त भी आ सकते हैं, जो जिससे समाज जुड़ा पड़ा है वो सब इसमें आ जाता है। आपके मान लो पड़ोसी से आपकी अनबन रह रही है तो आप इसको चेक कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि आपका क्या है लोगों से मिलने का जरिया है ये ईस्ट। अब आप लोगों से नहीं मिल पा रहे हो, घर बैठने का मन करता है, आपको लोगों से मिलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है ईस्ट आपका इम्बेलेंस है। कोई सामाजिक नेता है, कोई राजनीतिक नेता है, उसका बाहर का ही काम है सारा और उसके यहाँ पे टॉयलेट बनी हुई है तो उसको यह कोशिश पूरी कर रहा है लेकिन उसको उससे फायदा नहीं होगा। राजनीति में जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन उससे फायदा नहीं होगा क्योंकि ईस्ट में टॉयलेट आ गई है,
उसको डैमेज कर रही है, उसकी जो भी उसकी सोच है उसको डैमेज कर रही है। तो ईस्ट का काम क्या है, आगे बढ़ना, आगे बढ़ाना, वो बढ़ने नहीं देगी उसे टॉयलेट। इस तरीके से थोड़ा सा प्रॉब्लम्स को देख के चेक करते हैं, उस टॉयलेट को जो है उसकी जो भी रेमेडीज होती है उसको करते हैं, किचन है तो उसको बैलेंस करते हैं, ये सब जो है उसमें क्लासेस में बार बार रिपीट करें, क्लासेस का मैटर है। तो मेन आपको क्या करना है कि जो इसके सैप कलर है उसे यूज करिए, यहाँ पे जो है आप ग्रीन कलर यूज करिए, जो एंटी कलर है इसके उन्हें यहाँ से रिमूव करिए। एंटी कलर में सेम वही चीज है आपकी, येलो हो गया, और इसके अलावा जो है सिल्वर है, ब्लैक है, ये सब जो है यहाँ से रिमूव करिए। और इसके बाद इसकी अगली डायरेक्शन इसमें आती है ईएसई, ईस्ट साउथ ईस्ट। ईस्ट साउथ ईस्ट क्या है आपके, जो भी आपकी लाइफ में जो भी आपका कह सकते हैं आपका मंथन की डायरेक्शन, एनेक्साइटी की डायरेक्शन, इसकी जो भी दिमाग में टेंशन होती है आपकी, ठीक है, उसकी डायरेक्शन है ये। कई बार क्या होता है ईएसई में मान लो किचन है किसी की, तो लेडीज जो है खाना बनाते समय चिड़चिड़ करती हैं, ठीक है, घर में आप घुस रहे हैं, घर में घुसते ही चिड़चिड़ का माहौल है, मतलब बेफालतू में जीप चपड़ 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 बोलती ही रहती है, तो उसका ईएसई उस घर का इम्बेलेंस माना जा सकता है। आदमी बेफालतू की बातों में टेंशन में बोलता रहेगा जिसका सर नहीं पैर ऐसी बातें, और उस बातों पे बहस होती है, फिर लड़ाई होती है, ठीक है ना। ईएसई में डाइनिंग टेबल होती है तो उसका भी यही इफेक्ट होता है, आदमी खाना खाते वक्त क्या करेंगे, बहस ज्यादा करते हैं। जो जिस जोन का एट्रीब्यूट है उस जोन को मिस करके ये अपनी एक्टिविटी डाल देता है उसमें। जैसे डाइनिंग टेबल में हम क्या शांति से खाना खाते हैं कि हमारे पेट की जो जठर अग्नि है वो शांत हो और हमें ताकत मिले, लेकिन ये क्या काम करती है, वहां डाइनिंग टेबल है तो आपके जीप ज्यादा चलेगी, आपका ध्यान तो फोकस तो खाने पे तो रहेगा नहीं, आपका ध्यान कहाँ रहेगा, बहस पे, तो वो खाना आपके शरीर को कैसे लगेगा, तो उसने उसकी एक्टिविटी डाउन कर दी। इस तरीके से थोड़ा सा चेकअप किया जाता है। तो ईएसई में यदि आपका जो है कोई भी एंटी चीज है तो उसको हम रिमूव करेंगे, क्योंकि ये क्या आपके दिमाग के चिड़चिड़ेपन को बढ़ाती है ये, ठीक है, इसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। जो रिसर्चर हैं उनके लिए इसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है, जैसे जो वास्तु का काम करते हैं उनके लिए इसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। और इसके साथ ही जो है ये आपके दिमाग की क्रिएटिविटी को ग्रो अप करती है, क्योंकि इसका एयर एलिमेंट का काम ही है ग्रो अप करना। अब आपके दिमाग की क्रिएटिविटी, दिमाग तो है, सोच भी बहुत रहा है, लेकिन वो फाइनली डिसीजन नहीं ले रहा, तो ये इसी आपका इम्बेलेंस हो गया, ठीक है, तो इसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो टॉयलेट होगी, हालांकि टॉयलेट ईएसई में कहते हैं, लेकिन किसी किसी को इफेक्ट देती है, किसी किसी को नहीं देती, वो सिम्टम्स मैच करके काम किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम इसको चेक करते हैं ईएसई को, और इसमें भी आपके जो है वही कलर जो एयर एलिमेंट के सबके एक कलर है, येलो हो गया आपका, ब्लैक हो गया, व्हाइट हो गया, और आपका ये ब्लैक हो गया, व्हाइट, सिल्वर, ये सब जो है यहाँ से रिमूव करेंगे। तो इस वीडियो में आपने क्या जाना कि आपका जो एयर एलिमेंट है, एयर एलिमेंट में थ्री डायरेक्शंस होगी, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, और ईस्ट साउथ ईस्ट, तीन डायरेक्शन होगी, एनेक्साइटी और जर्निंग, सोशल और आपका रिक्रिएशन एंड फन, तीन डायरेक्शन होगी। इन तीनों डायरेक्शंस को कैसे बैलेंस करना है, इसमें टॉयलेट और जो किचन होगी उनको तो हम जो है आपको समझा नहीं सकते, उसको तो आपको रेमेडीज में इंक्लूड होता है या फिर क्लासेस में होता है, और अदरवाइज जो एंटी चीज है वो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, इससे आपको पूरा पूरा फायदा मिलेगा। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से भी फायदा मिलेगा। पिछली वीडियो में हमने जो है वाटर एलिमेंट को थोड़ा ब्रीफली समझाया था, इसमें एयर एलिमेंट है। इससे अगली जो वीडियो होगी इसमें हम आपको जो है फायर एलिमेंट के बारे में बताएंगे कि फायर एलिमेंट में कौन कौन सी डायरेक्शंस होंगी, इसको जो कौन कौन से एंटी कलर है, कौन कौन से इसके सेल्फ कलर है, इसके बारे में आपसे बताया जाएगा। तो अगली वीडियो को आप जो है ज्वाइन जरूर करिए, और इसी से हम इस चैप्टर को हम खत्म करते हैं। और स्टार्टिंग में बताया था, एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट है, ये सब कुछ जो कुछ भी वीडियोज में आपको दिखाया जाता है वो सब हमारी क्लासेस में भी समझाया जाता है, ब्रीफली और इससे भी ज्यादा ब्रीफ समझाया जाता है। तो जो कोई ज्वाइन करना चाहता है क्लासेस को ज्वाइन कर सकता है, और इसमें घर बैठे ही आप क्लासेस करेंगे, मिनिमम रेट्स पे हैं, क्योंकि अब तो सभी ने रेट डाउन कर रखे हैं, तो इस हिसाब से आपको सुविधा मिल रही है, ऑनलाइन के चक्कर में, लॉकडाउन के चक्कर में सबको सुविधा मिल रही है, तो इसका पूरा पूरा फायदा उठाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, और अगले वीडियो में आपको जो है फायर एलिमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तब तक एक बार फिर से जय श्री कृष्ण।